नमस्कार फ्रेंड, आप सब लोगों को इसी चैनल पे स्वागत है। तो व्यूअर्स, सबको आप सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एक स्कीम बनाया गया है, जैसे कि मुख्यमंत्री लोकेश सेवक आरोग्य योजना MMLSAY। तो आप सब लोगों का सैलरी अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी December 2023 से। तो चलिए, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह आप अपना इंश्योरेंस यानी स्कीम पे नॉमिनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, फोटो अपलोड किस तरह किया जाता है, डिपेंडेंट किस तरह ऐड किया जाता है, पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद सर्च बॉक्स में आप टाइप कीजिए MMLSAY यानी मुख्यमंत्री लोकसेवक आरोग्य योजना। टाइप होने के बाद सर्च कीजिए। सर्च होने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा लिंक आपके सामने शो करेगा। तो ऑफिशियल जो लिंक है उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। ऑफिशियल लिंक सबसे ऊपर जो लिखा रहा है, देखिए मुख्यमंत्री लोकसेवक आरोग्य योजना, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। ये ऑफिशियल लिंक है। लिंक पर क्लिक होने के बाद ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा, जहाँ से आप अपना पॉलिसी यानी इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है ये ओपन कर सकते हो। यानी यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना पड़ेगा। एंड नीचे जो लॉगिन ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑफिशियल स्टाफ के लिए रखा गया है। ओके, तो पॉलिसी होल्डर के लिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे रखा गया है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पेंशन या पेंशन सिलेक्ट कीजिए, अगर आप एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई सिलेक्ट कीजिएगा। एम्प्लॉई सिलेक्ट होने के बाद आप नीचे कोई भी एक आईडी कार्ड आप सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं, तो पैन कार्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर आप दीजिए, अगर पैन कार्ड सिलेक्ट किया तो पैन नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर देने के बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। तो उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड का, वही ओटीपी आप यहाँ पे दीजिए। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आईडी यानी अपना पॉलिसी स्कीम जो है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी आप शो कर, यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये सिलेक्ट करके रखिए या स्क्रीनशॉट करके रखिए, ये नोट करके रखिए मेंबर आईडी। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड वैलिडेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर दीजिए। उसके बाद गेट ओटीपी बटन पे क्लिक कीजिए। आधार ऑथेंटिकेशन जो मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड का, वही ओटीपी आप यहाँ पे दीजिए। ओटीपी देने के बाद वैलिडेट आधार बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आधार वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल शो करेगा। एंड ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऐसा ये सब। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह फोटो अपलोड यानी किस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट बटन, देखिए उस बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद यानी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एड डिपेंडेंट बटन पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, यानी डिपेंडेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूं, उसके बाद एड डिपेंडेंट किस तरह किया जाए, उसके बाद नॉमिनी किस तरह अपलोड किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, और यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, यानी आधार कार्ड आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आईडी प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रूफ सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, यानी अपना आईडी कार्ड आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद इंडिविजुअल फोटो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, यानी अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आप लोगों को इंडिविजुअल फोटो अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो आप आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक होने के बाद आपको अपना फाइल चॉइस कीजिए, उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपलोड बटन रखा गया है, अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप बारी बारी ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रूफ एंड उसके बाद इंडिविजुअल फोटो आप बारी बारी चॉइस कीजिए एंड अपलोड कीजिए। अपलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए अपना प्रोफाइल कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आप ऐड डिपेंडेंट बटन पे क्लिक कीजिए, यानी अपना फैमिली जितना मेंबर है सबको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि पहले आप अपना मदर्स, फादर्स एंड उसके बाद सॉन्स, डॉटर, उसके बाद स्पाउस, यह सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेम दीजिए, यहाँ पे मदर, जैसे कि मदर नेम दिया उसका नेम दीजिए। उसके बाद उनका जेंडर दीजिए, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में रह जाएगा, आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उसके बाद आप ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेम आपका स्पाउस, उसके बाद फोन, डॉटर जो भी है सब अपना फैमिली पूरा डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कीजिए, नेम देके एंड डेट ऑफ बर्थ देके। उसके बाद आप लोगों को उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा देख सकते हो, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट बटन देखिए, उस बटन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो डिपेंडेंट, तो डिलीट बटन देखे, डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। पहले आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, कोई भी रिलेशन आपके साथ लिंकेज, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड
करना पड़ेगा, उसके बाद इंडिविजुअल फोटो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा उनका। ओके, यह सब डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट दिखाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप नीचे नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। तो नॉमिनी किस तरह ऐड किया जाता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड नॉमिनी बटन देंगे, उस बटन पे क्लिक कीजिए नॉमिनी ऐड करने के लिए। ओके, नॉमिनी ऐड करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आपने जो फैमिली मेंबर ऐड किया था उसी में से आप लोगों को नॉमिनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने डिपेंडेंट पे नॉमिनी नेम सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे नॉमिनी नेम शो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे नॉमिनी नेम चॉइस कीजिए। चॉइस होने के बाद यहाँ पे नॉमिनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, बैंक अकाउंट नेम दीजिए, उसके बाद आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर दीजिए, उसे ब्रांच नेम दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए और ये सब इन्फॉर्मेशन आप सही तरह से प्रोवाइड कीजिएगा। आप दोबारा चेक कीजिएगा अकाउंट नंबर सही है कि नहीं, उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को नॉमिनी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो नॉमिनी का क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो यहां पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा नॉमिनी का। यहां पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट दिए गए, उस बटन पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हो नॉमिनी, आप चेंज कर सकते हो यहां पे इस बटन पे क्लिक करके। ओके, तो यहाँ पे सिंपली वन डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चेकबुक आप लोगों को जो कैंसिल चेकबुक है उसी का फोटो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज बैंक पासबुक का फ्रंट पेज पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली वन डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट होने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो एंड यहाँ पे प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे चेंज नॉमिनी नेम, अगर नॉमिनी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। एंड ये सब डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, जो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिलीट बटन देखे, डिलीट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट। उसके बाद डिक्लेरेशन यानी टर्म्स एंड कंडीशन चेकबुक आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है एनेक्सर वन पे, आप लोग चेक कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे दिए आया एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे चेकबॉक्स दिए गए, उस चेकबॉक्स से टिक मार कीजिए। उसके बाद आई कॉन्फर्म इस चेकबॉक्स में टिक मार कीजिए। इसके बाद नीचे आप कॉन्फर्म बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सिंपली डिक्लेरेशन सक्सेसफुल शो करेगा। इसके बाद आप लोगों को फाइनल अप्रूवल के लिए सबमिट करना पड़ेगा यह फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सबमिट फॉर फाइनल अप्रूवल, तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपना फाइनल अप्रूवल के लिए आप सबमिट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन। तो इस तरह आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग मैसेज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।